आज हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में। देखिए घर में रेफ्रिजरेटर होता है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें पांच जो है पार्ट होता है। मुख्य रूप से आपको समझना होगा इसके फंक्शन को। तो सबसे पहले देखिए कंप्रेसर होता है, ब्लैक होता है, देखिएगा कंप्रेसर। मुख्य रूप से उसमें मेन जो है आपका पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का क्या काम होता है कि रेफ्रिजरेटर में जो भी आपका हीटिंग एलिमेंट है, अर्थात जो भी सब्जी वगैरह रखे हैं उसके हीट को जो है सक करना, उसको वहां से सक कर करके और इसको बाहर फेंकना। तो इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर तो पहला कंपोनेंट आपका हो गया कंप्रेसर हो गया, दूसरा कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब फैन वाला नहीं, कंडेंसर का मतलब जो हीट को रखता हो। और ये देखिए इस तरह बना होता है, पीछे में देखेंगे आप तो इस तरह बना हुआ रहता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसी को फिल्टर भी आप कह सकते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब होता है और इवेपोरेटर होता है, जो देखिएगा कि जो फ्रीजर होता है जहाँ डिफ्रॉस्ट करते हैं उसमें लगा हो रहता है पीछे में, ये ध्यान देना होगा। इसमें फ्रियोन गैस का प्रयोग होता है। फ्रियोन गैस का कैरेक्टर क्या है कि जल्दी हीट लेकर के ये उबलने लगता है, ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो ये समझना होगा। तो देखिए इसमें करता क्या है, यहाँ पर ये कंप्रेसर का क्या काम है, तो कंप्रेसर का काम क्या है, देखिए यहाँ पर सक्शन लाइन होता है, हालांकि और यहाँ पर रहता है लेकिन ये यूज में नहीं आता है। तो देखिए सक्शन पाइप होता है, तो आपका सक करता है उसको, सक कर करके और ये डिस्चार्ज करके ये कंडेंसर को फेंक देता है, इसका यही काम है। दूसरी बात समझना होगा सक कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका लाइन जो जा रहा है यहाँ पर, तो ये आपका जो सब्जी वगैरह रखा हुआ है उससे जो हीटिंग आया हो, फ्रियोन गैस जो वहाँ गर्म होकर के उबलने लगता है, ये आपका जो है कि ये पार्ट यहाँ पर आता है। और मोटर का क्या काम है, ये पिस्टन को नीचे लाएगा, एक छोटा सा उसे बना हुआ रहता है, एक नीचे लाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और ये अंदर चला जाएगा। फिर क्या करता है, ये बंद हो जाएगा और फिर ये इसको दबाता है तो ये देखिए बाहर क्यों निकलने लगेगा। तो ये दो काम है, देखिए यहाँ पर इसी काम को आप देख सकते हैं यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है, ये आपका हो गया सक्शन, यहाँ पर सक्शन लाइन हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका डिस्चार्ज लाइन, देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन। तो देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं क्या करता है ये, जैसे कहने का मतलब है क्या होता है। तो आप दो तरीका समझ सकते हैं, या तो आप यहां से चल सकते हैं नहीं तो इवेपोरेटर से चल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहां से पहले एक बार। तो क्या होता है यहाँ पर, ये आपका सक्शन लाइन से जो इसके अंदर आया वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई कर देता है। तो ये प्रेशर जब हाई होगा तो क्या होगा, यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, और जब डिस्चार्ज होकर के देखिए यहाँ पर ये कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर देखिए ऐसे से बना हुआ रहता है, तो ये घुमा घुमा करके ठंडा कर देता है। इस पर देखिए तिल्ली लगा हुआ रहता है बहुत सारा, तो तिल्ली का देखिए अब समझना होगा कि हीटिंग एलिमेंट है, अगर उस पर तिल्ली है और उसमें सटा हुआ है तो ये भी जो है हीट रिलीज करने में मदद करेगा ये, क्योंकि जितना हम उसको सरफेस देंगे उतना रिलीज ज्यादा होगा, तो ये घुमा घुमा करके ठंडा कर देता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये अभी वेपर फेज में है, गैस फेज में है ये, चूंकि यहाँ प्रेशर हाई है टेम्परेचर हाई है, ये घुमा घुमा के ठंडा कर देता है और ये आपका लिक्विड फेज में आ गया। ये फ्रियोन गैस क्या है, लिक्विड फेज में है यहाँ पर। अब यहाँ से दो काम होता है, एक तो एक्सपेंशन होता है, प्रेशर लो कर देते हैं यहाँ पर, पी लो कर दिया जाता है, और दूसरी बात फिल्टर का भी काम हो जाता है, यहाँ पर फिल्टरिंग करते हैं। उसके बाद प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए और लिक्विडिटी का जो फ्लो है उसको बनाए रखने के लिए, चूंकि अभी लिक्विड फॉर्म में कैपिलरी ट्यूब मदद करता है, ये आपका कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, मदद करता है, और फिर ये इवेपोरेटर में पहुंचता है। किस फेज में पहुंचता है, लिक्विड फेज में। यहाँ भी लिक्विड फेज में देखिए पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका यही जो है कि यहाँ पर जो आपका मेन फ्रिज का जो पार्ट होता है ऊपर वाला, देखिए जहाँ आइस वगैरह फॉर्म होता है, तो ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से हीट को लेता है और फिर क्या करता है, ये आप बॉयल करने लगता है, और फिर ये जो बॉयल करने लगता है ये फ्रियोन गैस, तो देखिए इस पाइप के द्वारा, देखिए इस पाइप के द्वारा फिर जो है कि यहाँ पर फिर पहुंच जाता है सक्शन लाइन के पास, और फिर जो है ये प्रक्रिया जो है फिर चलने लगता है इस तरह, और इस तरह आपका फ्रिज जो है काम करता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग समझ लें कि फ्रिज में क्या होता है। अब हम लोग दूसरा तरीका समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए जितना हीटिंग आपका मिल रहा है फ्रिज के अंदर से, तो इसके कारण ये बॉयल करने लगा, और बॉयल करने के बाद देखिए इस तरह चलने लगा, और ये जो है आपका कहाँ पहुंच गया, सक्शन पाइप में। फिर वही बात होता है, प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई, तो ये आपको जब प्रेशर हाई होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, और डिस्चार्ज हो जाता है
दूसरी बात एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि इन्वायरमेंट से ज्यादा टेम्परेचर रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर हाई है और टेम्परेचर हाई रखना होगा, जिससे नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंट से ही इसमें सक करने लगे या कंडेंसर जो है कि लेने लगेगा हीटिंग को, इसीलिए इसका टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है तो ये बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये तो आपका ठंडा हो गया, बाहर निकल गया तो फिर इसको ठंडा करने का अलग उपाय है, फिर यहाँ से क्या हो जाता है लिक्विड बन जाता है, घुमाते घुमाते ठंडा कर देता है और लिक्विड फिर वही एक्सपेंड करता है, प्रेशर लो हो गया तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा वह, और फिर जो है यहाँ पर लिक्विडिटी फ्लो और प्रेशर को मेंटेन रखता है कैपिलरिटी, और फिर वहां पर इवेपोरेटर में चला जाता है और ये इवेपोरेट करा करके फिर जो है साइकिल को पूरा करता है। इस तरह बार बार हम लोग करते हैं और इस तरह जो है कि आपका काम पूरा हो जाता है। अब ध्यान देना होगा यहाँ पर कि ये जो होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कि देखिए TDC यूज किया जाता है और BDC यूज किया जाता है। ये बॉटम में आएगा और ये आपका टॉप डेड सेंटर हो गया यहाँ पर, और नीचे बॉटम डेड सेंटर आ जाता है। ये आपका जो है कि ये मूव करने का ये तरीका दिखाया जाता है यहाँ पर। अब हम लोग एक इस पर अपने फिजिक्स के भाषा में थोड़ा देखें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप हीट इंजन के बारे में पढ़े थे, हीट इंजन जस्ट हम लोग हीट इंजन को बनाए यहाँ पर, क्या हो जाता था, सोर्स होता था, ये आपका T1 था, Q1 था, और यहां से ये वर्किंग सब्सटेंस, और ये आपका वर्कडन हुआ यहां पर, और ये आपका सिंक था, ये क्या था, सिंक था, ये सिंक है, T2 है, Q2 है, आपको पता होगा ये ऑर्डर कि यहां पर सोर्स को जो हीट दिया जाता है वो T1 टेम्परेचर पर वर्किंग सब्सटेंस के पास आता है, वर्क डन होता है और जो बच जाता है सिंक से निकल जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर उल्टा होता है, रेफ्रिजरेटर जो है ये उल्टा काम करता है। देखिए इसमें क्या होगा, T1 Q1 और ये आपका ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया, और देखिए यहां वर्क इस पर किया जा रहा है, जैसे कंप्रेसर जो करता था वहां पर वर्क कर रहा था, और ये आपका सिंक हो गया, ये T2 Q2, देखिए आपका फ्रिज यही है, देखिए यही फ्रिज हो गया, ये आपका फ्रिज है। तो यहाँ पर जो ठंडा है यहाँ पर देखिए, यहाँ इधर से ही चलेंगे तो चूंकि ठंडा है इसको बाहर निकालना है, तो क्या होता है वैकम करके वहां पर हम लोग प्रेशर टेम्परेचर को हाई कर दे, तो वर्क इज बीइंग डन बाय द कंप्रेसर, तो वर्क किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देना होगा, तो Q1 बराबर क्या होगा, Q2 + W होगा। तो यहाँ पर एक बहुत मार्क, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि इसको कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस के द्वारा हम लोग निकालते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाता है, परफॉर्मेंस इसको कहते हैं शॉर्ट में COP, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो Q2 बाई वर्कडन, तो देखिए वर्कडन कितना होगा, Q2 बाई Q1 माइनस Q2 हो जाएगा यहां पर, इस तरह टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे T2 बाई T1 माइनस T2 हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन हम यहां ले अगर कि कोई रेफ्रिजरेटर है, एग्जांपल के तौर पर कि रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर 0°C एंड 127°C, देन फाइंड कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, कैसे बनाएंगे यहां पर, तो COP बराबर फार्मूला आपको मिल चुका है, COP क्या है, T2 बाई T1 माइनस T2, तो देखिए T2 यहां भी ध्यान देना है आपको, सेम इंजन वाली बात होगी कि आपका T1 हो जाएगा तो कितना होगा 127 और 273, 7 × 10 की 0, 9 × 0, 3 × 4 केल्विन हो गया, और ये हो गया आपका T1, और T2 कम वाला लेंगे, देख सकते हैं यहां पर, तो 0 + 273, तो ये हो गया 273, यहां लिखेंगे 273 बाई 273 और बाई हो गया 400 माइनस 273, कितना होगा 273 और इसको घटा लीजिए 400 और घटाएंगे यहां पर 127 दो 273 तो कितना होगा 127 हो जाएगा, कितना होगा लगभग 2 पॉइंट कुछ करके हो गया ना, तो
254 माने 2. अप्रोक्स जो है कि आपका 2 हो जाएगा अप्रोक्स। तो ये आपको देखना होगा कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस देखिए निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह था आपको मैंने देखिए समझना होगा कि रेफ्रिजरेटर का मुख्य काम क्या है कि ठंडी मैंने कोई भी अगर आप सब्जी वगैरह रखते हैं तो उसको क्या है टेम्परेचर को मेंटेन करना अर्थात उसके टेम्परेचर को कम करना ये मुख्य काम है। और आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग निकालते हैं तो निकालने के क्रम में क्या क्या होता है एक बार फिर से हम लोग इसको समझ जाएं कि यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कंप्रेशर में क्या होता है जो आपका फ्रिज वगैरह फ्रिज का है यहाँ पर फ्रिज से फ्रिज का जो आपका सब्जी वगैरह रखा हुआ है तो इसके हीट को क्या करता है यहाँ पर एक सक्शन पाइप होता है इसमें जो है ले जाता है उसको। और यहाँ पर चूंकि देखिए यहाँ पर तो जाएगा अब इससे हमको बाहर निकालना है इसको तो यहाँ पर प्रेशर हाई और टेम्परेचर हाई करेगा यहाँ पर और यहाँ से यहाँ बाहर निकलता। अब देखिए ध्यान देना है यहाँ पर ऐसा करने का मकसद क्या होगा तो इसके पीछे मोटर लगा होता वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम तो ये प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई हो गया। अब दूसरी बात है कि एनवायरमेंट का ना घुस जाए तो इसीलिए इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई किया गया निकल भी जाता है। और अधिक करने का कारण यह है कि इसका हीटिंग तो हम निकाल लिए ये बात अलग है कि ये हीटिंग ज्यादा है यहाँ पर यहाँ से ज्यादा है तो ये हम लोग वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम और यहाँ वर्क करके इसको बाहर निकाल लेते हैं और कंडेंसर से फिर क्या करते हैं इसको इसको घुमा घुमा के ठंडा कर देते हैं और फिर आपको एक्सपेंशन वाल्व में ले जाते हैं यहाँ पर प्रेशर लो करते हैं लिक्विड में फॉर्म हो जाता है कौन फ्रियोन हो जाता है लिक्विड में और फिर जाके कैपिलरी ट्यूब से इसको प्रेशर मेंटेन करते हैं फिर जो है कि आप ले जाते हैं वहां पर इवापोरेटर में और इवापोरेटर में फिर वही बात होता है थोड़ा सा गर्मी मिलेगा तो बॉयल करने लगता है और फिर हम उसको सक्शन पाइप में लाते हैं। इस प्रकार जो है चलता रहता है प्रक्रिया और आपका फ्रिज में जो है टेम्परेचर क्या होता है मेंटेन रहता है। तो आप देख सकते हैं हमने प्रयास किया कि आपको क्लियर हो जाए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लाइक और शेयर कीजिएगा।